एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भिवानी में 3 दिवसीय पशु मेला चल रहा है। इस मेले में प्रदेश के कोने कोने से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंच रहे हैं। 5 लाख के बकरे को लोग देखने के लिए खासतौर से पहुंचे हैं। भेड़ पालकों ने बताया कि इस बकरे की ऊंचाई लगभग 49 इंच है। पशुपालकों की हौसला अफजाही के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मेले में पहुंचे। बाजरे का और क्वालिटी पशु उत्पादन की तरफ ध्यान बढ़े। मेले तो पहले भी होते थे, लेकिन यहाँ जो है जो जेनेटिक्स 4 आधार हैं जिनके आधार पर पशुपालन विभाग तरक्की करता है या डेयरी उद्योग तरक्की करता है, उसमें एक जेनेटिक्स है, एक चारा है, एक टेक्नोलॉजी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनके आधार पर ऊपर जाते हैं। दुनिया में इसी आधार पर लोग ऊपर गए हैं, तो हम भी चारों पर यहाँ हमारी सरकार दलाल साहब के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसी रास्ते पर काम कर रही है। ये मेला बेस्ट जो पशु हैं उनको बुलाते हैं और उसमें भी जो सबसे बेस्ट है उनको। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, ये कहावत आपने हरियाणा के लिए जरूर सुनी होगी। हरियाणा को दूध घी और दही से संपन्न बनाया है मुर्रा नस्ल की भैंसों और गायों ने, जिनके दूध देने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। किसान दूध बेचकर समृद्ध हो रहे हैं। जींद के सुनील सैनी, जो पेशे से VLDA हैं, जो पशुधन और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल नस्ल की गायें पालें और दूध घी बच्चों को खिलाकर उन्हें ताकतवर बनाएं और दूध घी बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सके। हरियाणा के मशहूर कलाकार सुनील सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो है हरियाणा को नई दिशा देने के लिए 2 सॉन्ग जो है निकाले। पहला जो सॉन्ग निकाला है वो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको पालने के लिए बताया गया है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मैंने गीत गाया है, मैंने लिखा है, हरियाणा शाहीवाल मुर्रा पालो रे। हरियाणा देसी गाय की नस्ल होती है शाहीवाल और मुर्रा। शाहीवाल भी गाय होती है और मुर्रा भैंस जो कि पूरे विश्व में फेमस है। हरियाणा हरियाणा साहिवाल मुर्रा पालो रे। हरियाणा हरियाणा साहिवाल मुर्रा पालो रे। दूध दही और मक्खन हो जा घर में सबकी सेहत बने। दूध दही और मक्खन हो जा घर में सबकी सेहत बने। दूध दही और मक्खन हो जा घर में सबकी सेहत बने। सड़क सुरक्षा को देखते हुए जब भी आप अपने घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं अपने बाइक को लेकर तो हेलमेट लगाना बेहद ही जरूरी है। ढाई दिन की से छोरो थारी या जवानी, बात मानो बढ़िया की ना करो मन मानी। ढाई दिन की से छोरो थारी या जवानी, बात मानो बढ़िया की ना करो मन मानी। कोई पढ़ा तोड़ना रस्ते में चढ़ेगी